नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्टेमटिल एमडी टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, स्टेमटिल एमडी टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और स्टेमटिल एमडी टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि स्टेमटिल एमडी टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में स्टेमटिल एमडी टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। स्टेमटिल एमडी टैबलेट का उपयोग चक्कर आने की समस्या को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा स्टेमटिल एमडी टैबलेट का उपयोग जी मिचलाना, उल्टी आना या उल्टी आने का मन होना आदि समस्याओं को ठीक करने के लिए भी स्टेमटिल एमडी टैबलेट का उपयोग किया जाता है। कभी कभी डॉक्टर चिंता को दूर करने के लिए भी स्टेमटिल एमडी टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं। स्टेमटिल एमडी एक ब्रांड नेम है। स्टेमटिल एमडी टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन प्रोक्लोरफेराजीन 5 mg होता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि स्टेमटिल एमडी टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में स्टेमटिल एमडी टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में स्टेमटिल एमडी टैबलेट की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे आँखों में धुंधलापन, नींद अधिक आना, सिर दर्द, मुँह में सूखापन, ब्लड प्रेशर का कम होना और शरीर में व्हाइट ब्लड सेल्स कम हो सकती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि स्टेमटिल एमडी टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। स्टेमटिल एमडी टैबलेट को खाना खाने के बाद लेना रिकमेंडेड होता है। स्टेमटिल एमडी टैबलेट एक माउथ डिसॉल्विंग टैबलेट है जो मुंह में रखने के बाद अपने आप घुल जाती है। आपको स्टेमटिल एमडी टैबलेट को मुंह में रख लेना चाहिए और पूरा निगलना नहीं चाहिए। स्टेमटिल एमडी टैबलेट के मुंह में घुलने के बाद अगर आप चाहे तो पानी पी सकते हैं। आमतौर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर स्टेमटिल एमडी 5 mg टैबलेट को दिन में 2 से लेकर 3 बार लेने की सलाह देते हैं, लेकिन स्टेमटिल एमडी टैबलेट की खुराक, उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको स्टेमटिल एमडी टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना स्टेमटिल एमडी टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि स्टेमटिल एमडी टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में स्टेमटिल एमडी टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। स्टेमटिल एमडी टैबलेट के साथ आपको शराब का सेवन नहीं करना चाहिए और स्टेमटिल एमडी टैबलेट को लेने के बाद ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए और ऐसी मशीनों पर काम भी नहीं करना चाहिए जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतर्कता की आवश्यकता होती है, क्योंकि स्टेमटिल एमडी टैबलेट को लेने के बाद कुछ व्यक्तियों को नींद ज्यादा आ सकती है। अगर किसी व्यक्ति को स्टेमटिल एमडी टैबलेट या इसके किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो ऐसे व्यक्तियों को स्टेमटिल एमडी टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को भी बताना चाहिए। अब हम जानेंगे कि क्या प्रेग्नेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं स्टेमटिल एमडी टैबलेट को ले सकती है या नहीं। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए स्टेमटिल एमडी टैबलेट का सेवन करना रिकमेंडेड नहीं है। इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को स्टेमटिल एमडी टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को स्टेमटिल एमडी टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका स्टेमटिल एमडी टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।